ठीक है आ जाओ। एक राउंड और मारिए। वापस कहाँ पे दर्द हो रहा है, कैसा? ये दोनों साइड पर दर्द हो रहा है। पीछे पीछे कुछ दर्द हो रहा है? पीछे नहीं, बैठने के समय मतलब जब बैठते हैं या अच्छा अच्छा बैठने में जाते। अब इस समय कहाँ क्या लग रहा है? ये दर्द इसलिए पीछे साइड में दर्द लग रहा है? नहीं, अच्छा साइड में बाहर की तरफ दर्द लग रहा है। इधर अंदर की तरफ नहीं। अच्छा कितनी देर तक बैठ सकते हैं इसे? ऐसे तो बैठे ही रहते हैं, कोई दर्द करता है लेकिन दर्द करता रहता है, है? अच्छा पता चलता रहता है कि अंदर कोई चीज चुभ रही है। ठीक है लेट जाओ। ठीक पूरा पैर ऊपर उठाओ एक। इसके बाद दर्द जाए, दर्द हो रहा है इसमें किसी तरह? नहीं। दूसरा वाला करो, इसमें इसमें ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा इसको पैर मोड़ के जैसे मैंने अभी चेक किया था ना वैसे करिए। हाँ ये अब दर्द हो रहा है, पकड़िए ऊपर घुटने में। ठीक इसमें दर्द है? नहीं। उस वाले में इसमें जैसे मोड़ने में दर्द, मोड़ने पर दर्द है। ठीक है अब इसको बाहर की ओर गिराओ। हाँ ऐसे अब कहाँ दर्द हो रहा है? ये साइड पे दर्द हो रहा है। और क्या यहाँ पे हो रहा है इस तरफ इधर खिंचता है तनाव? वो तो खिंचता है लेकिन दर्द है। अच्छा अच्छा ठीक है छोड़ दो, सीधा कर दो पैर। वो वाला पैर मोड़ो, बाहर गिराओ। बस इतना ही जाता है? इससे ज़्यादा नहीं जाता है? ठीक चलिए ठीक है ओके आ जाओ। आ जाइए आ जाओ आ जाइए। ठीक है फिर चलिए। आ जाइए आ जाइए। कोई दर्द किसी तरीके का नहीं जैसे? पलथी लगाइए। ठीक है ठीक है। जीन्स टाइट है? ठीक अभी कुछ फील हो रहा है? ठीक है अच्छा। और इधर पीछे जो कुछ दर्द था पहले इधर इधर? ठीक है लेट जाओ। ठीक है एक पैर उठाइए मेरी तरफ वाला ऊपर, जितना उठा सकते उठाइए पूरा। ठीक है कोई दिक्कत? नहीं। उधर वाला उठाइए, इसमें कोई दिक्कत? नहीं। ठीक 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 है ठीक है। और पैर मोड़िए और गिराइए इस तरफ। ठीक है जितना ले जा सकते हैं। ठीक है हाँ जी ठीक है ये तो जा रहा है। ठीक वेरी गुड। दूसरा वाला ये तो पूरा चला गया। ठीक है ठीक है। तो अभी बैठिए, कितना रिलैक्स लग रहा है पहले से? पहले से तो मतलब 50% रिलैक्स है। 50% रिलैक्स लग रहा है। रात को नींद अच्छे से आ रही है? हाँ सबसे मेन प्रॉब्लम था रात में नींद नहीं आती था, नींद रात को दर्द रहता था काफ़ी, दर्द रहता था, अब दर्द वो खत्म हो गया। ठीक ठीक। और कोई पेन किलर नहीं खाना पड़ा? कोई कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके का? ठीक है। और बाकी बस अब ये है कि अब जो चल के उठने वाला है बस वही बचा है। हाँ, बाकी सब खत्म हो गया है। बैठ के उठने में, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं? चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जरा सीढ़ियाँ चढ़ के दिखाइए आइए। आ जाइए नीचे आ जाइए। ठीक बढ़िया बड़े आराम से उतर गए। वो फिर से चढ़िए, वो फिर चढ़िए। वेरी गुड आ जाइए। वेरी गुड रेडी सर। तो ये इनका एक्सरे है, ये 4 जनवरी 2020 का है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनका ये राइट साइड के पोर्शन में ये थोड़ा सा ये नीचे की ओर राउंड तो है बट थोड़ा सा दबा है। जितना ये इसमें इसका कंट्रोल थोड़ा और पास में आ जाओ, और पास में जैसे जो इसमें ये ऊपर उठा हुआ है इतना इसमें नहीं उठा हुआ, ये थोड़ा सा डाउन हुआ है और ये स्पेस इसमें कम है।
ठीक है, ये है 4 जनवरी 2020 का, और जो ये अभी कराया गया है, ये जो अभी कराया गया है इसमें आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये जो है आपका 13/3/2020 का है, ये अभी कराया गया है। तो इसमें क्या है कि हालांकि दबा है मगर थोड़ा सा ही उठा है ना, और क्लियर को मार्जिन है, ये वाला तो वैसे क्लियर है ही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब मैं आपको इनकी रिपोर्ट दिखा देता हूँ, ये भी ले लीजिए सर। हाँ, इस रिपोर्ट नहीं, 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 फर्स्ट में जो था ना, हाँ, जिससे मैं हमको मालूम भी नहीं चला, हाँ, वो भी रहना चाहिए ना पब्लिक को, मतलब कि ये स्टार्टिंग पीरियड में जब उनको मालूम चला तो डॉक्टर ने बताया नहीं कि आपको एवियन का प्रॉब्लम। ये इनका सबसे पहले का एक्सीडेंट है, वो अलग, उसमें कुछ भी नहीं है, और उसमें हमको डॉक्टर ने बता नहीं पाए कि ये इसमें आप देख सकते हैं, आप लोग को थोड़ा अवेयरनेस रहना चाहिए कि ये जो एक्सरे है इनका 26 नवंबर का है ये वाला, और ये वाला भी इनका 26 नवंबर का है। इस समय इनको कंप्लेंट स्टार्ट हो गई थी, एक बार इस समय इनको कंप्लेंट स्टार्ट हो गई थी, बट इधर इनका शेप ठीक ठाक था, बढ़िया शेप था, डॉक्टर बता नहीं पाए थे, डॉक्टर्स बता नहीं पाए थे क्योंकि, और एक्सरे में आता भी नहीं है, स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज का पता भी नहीं चल पाता है, बट इनको कंप्लेंट स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद जो इनका जो सेकेंड एक्सरे है ये वाले में, अब कंप्लेंट के साथ साथ इसमें जो है एक्सरे में दिखने भी लगा है कि इसका हेड उतना राउंड नहीं है, ठीक है, इसका हेड उतना राउंड नहीं है, ये चीज में दिक्कत है, ठीक है ये। और ये जो लेटेस्ट वाला है, लेटेस्ट वाला जो है इसमें तो सब कुछ जो है क्लियर है, इसमें सारे मार्जिन दिख रहे हैं, और इसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस भी दिख रही है, थोड़ा सा उठा है, हालांकि ज्यादा दिन नहीं हुए थे इसमें ट्रीटमेंट कराए, अब इनका हम नेक्स्ट एक्सरे करीब 1 महीने बाद लेंगे तो ये और बेटर क्लियर होगा। हालांकि मैं इस एक्सरे की आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, ये देखो, ये नीचे ले आओ, इसको सीधा कर, सीधा ऐसे ये आप इसमें देख सकते हैं, इनका बोथ फीमोरल हेड्स आर नॉर्मल इन साइज शेप कंटूर एंड एटेन्यूएशन, आर्टिकुलर मार्जिन्स ऑफ द बोथ फीमोरल हेड्स आर स्मूथ एंड रेगुलर, आर्टिकुलर मार्जिन्स आर इंटैक्ट, आउटलाइंस आर स्मूथ, बोथ फीमोरल नेक्स आर नॉर्मल इन साइज कंटूर एंड एटेन्यूएशन, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स अराउंड द बोथ हिप जॉइंट्स आर नॉर्मल, विद राइट पोर्शन ऑफ सैक्रम इज नॉर्मल एंड पेबिक सिम्फाइस इज नॉर्मल, मतलब पूरी रिपोर्ट ये नॉर्मल है, ठीक है। तो एक्सरे को ज़्यादा वो नहीं मान सकते, हालांकि नॉर्मल आ गया है, कुछ दिनों बाद हम लोग फिर इसको ट्राई करेंगे और इनका और देखेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट, अभी 50% इन्होंने हमको जैसा बताया कि पहले सिटिंग में इम्प्रूवमेंट हो चुका है, आगे और इनको इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मैं हूँ डॉक्टर विजय प्रकाश, और आज एक केस और अभी मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है, जो कि थर्ड स्टेज का इनको एवियन था, ये पहली बार अभी मेरे पास आए हैं, और इनके MRI में जो शो हो रहा था इनको थर्ड स्टेज का शो हो रहा था, आज इनकी पहली सिटिंग कंप्लीट हो गई है, तो जानते हैं हम इनसे कि इनको पहले से कैसा बेटर फील हो रहा है और पहले इनको क्या क्या समस्या थी। तो आपको क्या क्या समस्या होती थी पहले? पहले जैसे कि नाइट में सोने के समय बहुत दर्द करता था, मतलब कि करवट लेने में, सोने में, पाँव मतलब कि मोड़ने में, और दर्द तो कम रहता ही था, नींद नहीं आती थी जिसकी वजह से, तो वो सब अब तो खत्म हो चुका है, वो नींद भी आ रही है और दूसरा की मतलब कि दर्द वगैरह भी खत्म हो चुका है, और चलने फिरने में तो दिक्कत तो नहीं है उतना, कुछ भी नहीं है, सीढ़ी वगैरह भी चढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अभी आप लोगों ने देखा इनको, ये कैसे सीढ़ी में चढ़ रहे थे, बड़े आराम से चढ़ फिर भी ले रहे थे, और चलने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं है, पैर भी अपना उठा ले रहे हैं, कर ले रहे हैं। तो पहले से कितना परसेंट आप फील कर रहे हैं? 50% पहले से 50% बेटर फील कर रहे हैं, ये पहले सीटिंग का इनका रिजल्ट है। तो इससे पहले आपको क्या लगता था कि जब ये थेरेपी कराने से पहले आपके क्या विचार थे कि कैसा होगा, क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? थेरेपी मतलब कि मैं बहुत जगह पे दिखाया, मतलब मुंबई में भी दिखाया, कर्नाटक में भी दिखाया, उसके बाद अपने गांव बिहार में भी दिखाया, तो सभी जगह हमको रिप्लेसमेंट ही बताया था। ओके, सब जगह पे रिप्लेसमेंट ही बताया, तो उसके बाद मैंने वीडियो आपका देखा तो मैं सोचा कि चलो एक बार वहां पे भी जाके देखते हैं, नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो रिप्लेसमेंट जो भी है वो करना ही पड़ेगा, लेकिन
नहाने के बाद तुमको बहुत बेटर फील होगा, मतलब सेटिस्फाइड है जी, आराम मिला है उसने डिस्क्रिप्शन पे। बाकी आपने और लोगों का भी यहाँ पे देखा होगा फीडबैक, जो पुराने पेशेंट नए पेशेंट, तो उसको देख के भी आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला। वैसे भी मतलब कि हमको खुद महसूस हो रहा है कि मतलब कि हमको बेटर फील हो रहा है पहले से ज्यादा, जो मतलब चलने फिरने में सोने में वो सब जो प्रॉब्लम था वो मतलब कि बहुत ज्यादा दूर तो बहुत कम हो चुका है। ठीक मतलब काफी मतलब आराम, काफी आराम। ठीक और बाकी यहाँ कोई और किसी तरह कोई समस्या तो नहीं रही आने जाने में साधन या यहाँ नहीं, नहीं, समस्या वो सब समस्या नहीं है आने जाने का, तो मतलब कि गाड़ी वगैरह तो है ही, चलते ही रहती है। और दूसरा गूगल सर्च तो आजकल सब कोई करते ही है, उस पे आप सर्च करके कहीं भी जा सकते हैं। तो मतलब गूगल में आप डॉक्टर विजय प्रकाश डालेंगे तब भी आपको सब कुछ हमारे यहाँ सौभाग्य आयुर्वेद के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, लोकेशन भी पता चल जाएगी, साधन भी इजीली मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट यहाँ पे आता है, कुछ फॉरेनर पेशेंट भी है जैसे बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया और आपका नेपाल, सिक्किम, भूटान, सभी जगह से पेशेंट आते हैं। तो आप लोग निसंकोच होकर आइए, बाहर के जब पेशेंट आ सकते हैं तो आप लोग को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंडिया के जितने पेशेंट वगैरह आराम से आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ईजी है। और इस विषय में आपका कि दूसरे लोग जो एवियन से मतलब पीड़ित हैं उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन लोगों को क्या करना चाहिए पहले? एवियन पेशेंट को हम यही बोलना चाहेंगे कि रिप्लेसमेंट से बॉडी पूरा फोल्ड होने का चांसेस रहता है, जो एनर्जी ताकत अभी मिलेगा तो रिप्लेसमेंट कराने के बाद वो हम बेटर उस तरह से नहीं रह पाएंगे जिस तरह से अभी हैं। और अगर हमारा थेरेपी या आयुर्वेदिक से अगर मेरा ये एवियन का प्रॉब्लम दूर हो सकता है तो मैं तो चाहूंगा कि यही सबसे ज्यादा बेटर। इसमें एक तो नेचुरलिटी जॉइंट की बरकरार रहती है, सपोज मान लो अभी कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, क्योंकि मैंने ये जो रिप्लेसमेंट के बारे में जो मैंने बात किया, मैंने आपको बताया कि मुंबई में भी दिखाया, कर्नाटक वगैरह सभी जगह में दिखाया, 3-4 जगह भी दिखाया, तो रिप्लेसमेंट के बाद भी वो जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, 10-12 साल, वो भी 10-12 साल चल जाए तो चल जाए, नहीं तो वो भी वो बहुत लकी लोग हैं जिनका 10-12 साल चलता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी नहीं चल पाते, और उसके बाद जो है आपको 3 महीने का बेड रेस्ट भी है जी। और दूसरा जिस तरह से अभी रहेंगे नॉर्मली चलते हैं फिरते हैं उतना तो आप नहीं चल पाएंगे उस तरह। तो मतलब नेचुरलिटी भी आपने देखा है, कितने आराम से सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, मतलब जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन उतरता चढ़ता है बिल्कुल वैसे ही एकदम नॉर्मल। और उम्मीद है कि ये बिल्कुल एकदम दूसरी तीसरी सीटिंग में तो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। ये 50% जो बता रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा इनका, 50% विदाउट एनी पेन किलर, विदाउट एनी कुछ इंसीजन या विदाउट किसी भी तरह की कोई चीज़ वैसा नहीं है इसमें कि कुछ हम मेडिसिन वैसे देते हो, कोई एलोपैथिक मेडिसिन, सब आयुर्वेदिक मेडिसिन रहती हैं। और मतलब विदाउट किसी एडमिशन भी ज्यादा नहीं है, केवल स्टे है यहाँ पे एक तरीके से, आप उसी में ही आपको ज्यादा इतनी तकलीफ भी नहीं होगी, उसमें ही आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पेशेंट जो कि काफी पीड़ित थे 3rd ग्रेड से, और आते समय इनको काफी पेन था, आज बेटर कंडीशन में है। और इनके एक रिव्यू के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो जरूर कर दीजिए, जो खासतौर से जो एवियन के पेशेंट है उन लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार रिप्लेसमेंट करवा लिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है चांसेस। तो रिप्लेसमेंट से पहले और ग्रेड बढ़ने से पहले हम लोग से संपर्क करें। ठीक, नमस्कार।